This is me, Paru Gupta, and you're watching me live on Amul Facebook page. Amul is an amazing product. बहुत ही बढ़िया products हैं. Amul के एक ऐसा brand है जहाँ रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं. Daily life में हमें ज़रूरत पड़ती है Amul के brand की. कहीं दही है, उनका cheese है, cream है. तो आज मैं एक ऐसी simple recipe लेकर आई हूँ क्योंकि world largest simple recipes का ही एक ऐसा platform है अमूल, जहाँ होम शेफ्स को और शेफ्स को मौका मिलता है अपनी कलनरी स्किल्स को दिखाने का. सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी डिश जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही पसंद की जाती है. किसी भी पार्टी में अगर आप जाएंगे तो आपको पनीर की एक रेसिपी जरूर चाहिए, और घर में भी हम जब गेस्ट आते हैं या कुछ स्पेशल बनाना होता है तो पनीर की रेसिपीज बहुत ट्राई करते हैं. सो आज मैंने सोचा कि एक ऐसी रेसिपी लेकर आऊं जो घर में बड़ों और बच्चों सबको पसंद है. तो आज की मेरी डिश का नाम है पनीर लबाबदार. अभी किसने ज्वाइन कर लिया है, मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है. सो गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लाइव. पनीर लबाबदार की रेसिपी बहुत सिंपल है, बट उसकी जो ग्रेवी होती है उसमें थोड़ा सा हमें ट्रिक्स ध्यान रखना होता है. हमने एक पैन को गर्म करने रख दिया है और हम 1 टीस्पून के अराउंड ऑयल डाल देंगे. ये मेरा फ्लैक्सीड्स ऑयल है. ऑयल हमेशा हेल्दी इस्तेमाल करें. और अमूल का घी बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा अमूल का घी भी साथ में यूज करूंगी. ये अमूल का देसी घी है, करीब 1 टीस्पून. और फ्लेम को मैं अभी हाई कर लेती हूँ. इसमें अपने हम ड्राई स्पाइसेस बाद में ऐड करेंगे, अभी हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले. हेलो राखी जी, हेलो रूबी, इंद्र मंडल, हेलो कंचन नागवानी, हेलो हेलो कंचन जी, राखी जोशी, हाय एवरीवन, हेलो नागेंद्र जी. पैन को हमने गरम करने रखा है और अभी हम यूज करेंगे थोड़ा सा ऑयल गरम होते ही जीरा. जीरा ऐड करते ही हम ऐड कर देंगे इसमें बे लीफ यानी तेज पत्ता. इनका अरोमा बहुत अच्छा आता है. और ये मेरे पास कुछ कश्मीरी मिर्च है, साथ में मैं ऐड कर दूंगी लौंग और काली मिर्च. जो ब्लैक पेपर है और लौंग है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, एनहेंस होता है. एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी छोटी इलायची. ये सभी मसाले बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं, एरोमेटिक होते हैं. इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चॉप गार्लिक, अदरक, ये मैंने थोड़ा रफली चॉप किया है. आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना ही चिली ऐड करें, लेकिन मैं इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ. और रफली चॉप ही मेरे पास एक अनियन है, एक लार्ज साइज का था, थोड़ा बड़ा साइज का अनियन जिसको मैं यूज कर रही हूँ. इसको हम कुक करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है. अनियंस का हमें बहुत डार्क कलर नहीं चाहिए. ये थोड़ा स्पाइसी बनता है, कुछ खट्टा मीठा बनता है. और जो हम शाही पनीर बनाते हैं, पनीर बटर मसाला, उससे इसका थोड़ा ग्रेवी अलग होता है. इसमें थोड़ा मीठापन होता है लेकिन इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर होता है. इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट, सेंधा नमक है और चुटकी भरी टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून अराउंड रेड कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा पेपर पाउडर. ये मेरे पास 4 टोमेटोज है जिनको मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी जो ग्रेवी तैयार करनी है वो बिल्कुल रिच ग्रेवी तैयार करनी है. लबाब का मतलब होता है कि बिल्कुल अंश जिसका निकल आता है, यानी कि एकदम एरोमेटिक और बहुत ही फाइन पेस्ट बनता है. फाइन प्योरी हमें तैयार करनी है
और अभी हम टमाटोज को थोड़ा गलाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा वाटर, हाफ कप। लद्दी धिंगरा, संगीता प्रधान, भारती अडवाणी। हेलो, हेलो लादी जी। हेलो संगीता जी, सब कैसे हैं आप लोग? मैं इसको कवर कर दूंगी ग्रेवी को कुक करने के लिए, और साइड में हम कुक कर लेंगे अभी अपना थोड़ा सा पनीर को हम मैरिनेट करके रख लेते हैं। और मैरिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पनीर ले लिया है 200 ग्राम, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। मैंने 1 टीस्पून के अराउंड लिया है। मैं इसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर, मैं इसमें कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत सुंदर कलर भी आएगा, और चुटकी भरी हल्दी पाउडर। जितेंद्र कौर, हेलो जी। हेलो। रेसिपी नेम पनीर लबाबदार। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, जल्दी बनेगी, और इसको हम हल्का सा टॉस कर लेंगे। सिर्फ हमें स्पाइसेस को ऐड करना है, तो स्पाइसेस को ऐड करते समय हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है कसूरी मेथी का। और हमें ऑयल थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हमें मसाला कोट करना है। ये देखिए इस तरह से पनीर के क्यूब्स पर हम इसको कोट कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से पनीर पर हल्का हल्का हमें स्पाइसेस को ऐड करना है, बहुत ज्यादा हमें स्पाइसेस नहीं चाहिए क्योंकि इसमें 2 ग्रेवी बनेंगी। अभी हमने जो ग्रेवी कुक करने रखी है मैं उसको झटपट रिकैप दिखा देती हूँ। इसमें अनियंस, टमाटोज, होल रेड चिली, जिंजर एंड गार्लिक है, साथ में मैंने ऐड किया है कुछ स्पाइसेस को, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट, साथ में चुटकी भर ब्लैक पेपर। और इसको बैलेंस करने के लिए हम बाद में थोड़ी शुगर या खांड भी इस्तेमाल करेंगे, आप हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें हाफ कप वाटर ऐड किया था जिससे कि इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, प्यूरी रेडी हो जाएगी हमारी। टमाटर थोड़े पल्पी हो जाने चाहिए, ये देखिए, और अनियंस को बहुत डार्क नहीं आपको करना है, बिल्कुल लाइट कलर पे ही रखें। ये अभी होली स्पाइसेस की वजह से थोड़ा सा कलर डार्क अपने आप हो जाएगा, और इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। करीब 5 मिनट के करीब ही हमें इसको कुक करना होता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पानी बॉयल हो गया था, ये देखिए, और टोमेटोज एंड अनियंस बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं। अभी हम दूसरे पैन को रख देते हैं और इसको मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देती हूँ, फैन के नीचे ठंडा होने के लिए। पनीर की तो अनलिमिटेड रेसिपीज है, चाहे आप मटर पनीर बनाएं, शाही पनीर बनाएं, और चाहे आप थोड़ा सा, मैं इसमें घी भी ऐड कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने लिया है, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑयल पहले ही डाल दिया था पनीर के अंदर। बस मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ये सिक जाए, फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आएंगे क्योंकि स्पाइसेस कंबाइंड हो जाएंगे, और थोड़ा सा फ्लेम को स्लो रखेंगे, सिम पर ही बनाना है हमें, फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं रखेंगे क्योंकि पनीर भी हमें बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का से सिक जाए। देखिए कितना सुंदर इसका कलर आ जाएगा। फिर इसको मैं पीछे की गैस पर रख देती हूँ। फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। हम यूज करेंगे अमूल बटर, और
थोड़ा सा घी। अमूल घी बहुत फायदेमंद है क्योंकि बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, हमें यूज करना चाहिए, तो हम अमूल का घी इस्तेमाल करते हैं। अमूल तो हर घर में ही पॉपुलर है, मुझे लगता है सभी अमूल की दही, अमूल का जो चीज आया है वो बहुत ही पॉपुलर है, तो सभी पसंद करते हैं। और बच्चों के या बड़ों को भी पनीर की सब्जी बहुत पसंद आएगी, आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। बहुत सिंपल रेसिपी है और घर के में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही हम बना रहे हैं इसको। थोड़ा सा अपने घी को और बटर को गर्म होने देंगे, मेल्ट होने देंगे, घी बर्न ना हो इसीलिए हमेशा ऑयल या घी जरूर डालें साथ में। और इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। हमेशा पैन का ही इस्तेमाल करें, थोड़ा बड़ा पैन रहेगा तो आपकी ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाएगी। और इसमें हम ऐड कर देंगे गार्लिक, जिंजर यानी जूलियंस बना लिए थे, और साथ में हम ले लेंगे ग्रीन चिली। अब इसमें ऐड कर देंगे अनियन, ये मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया है, एक छोटा अनियन लिया है। फ्लेम को हम अभी सिंपल कर देंगे और अभी हमारा जहाँ पनीर कुक हो रहा है साथ में हम ऐड कर देंगे अनियंस के इस तरह से फाइनली चॉप किए हुए रिंग, क्योंकि इसमें मुझे अनियंस का फ्लेवर बहुत पसंद है, ये भी साथ में स्पाइसेस के साथ कुक हो जाएगा। हल्का सा सॉल्ट और ऐड कर देंगे, जल्दी कुक हो जाएगा। और अनियंस के साथ ही हम जब अपनी ग्रेवी को रेडी कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा। सॉल्ट को देखकर ही यूज करें क्योंकि सॉल्ट हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। अर्चना पारक नाथा जी कह रही हैं, मैम आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। चटकारा बाई पारुल मेरा ब्लॉग है, यू कैन लाइक माई पेज ऑल्सो ऑन FB एंड ऑन इंस्टाग्राम आई हैव माई ब्लॉग चटकारा बाई पारुल। आप इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज को चेक कर सकते हैं, सो यू कैन गो थ्रू। ये देखिए अनियंस हमारे बहुत अच्छे से कलर चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो गया है। थैंक यू राखी जी, थैंक यू शकील जी। हाँ जी अर्चना जी, हम पनीर लबाबदार बना रहे हैं जिसके लिए मैंने एक अनियन टमाटोज की रफ ग्रेवी तैयार की है जिसको हम अभी ग्राइंड करेंगे, और साथ में हम दूसरी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। उसके लिए हमने अनियन को सौते करने रख दिया बटर में, अमूल बटर में, साथ में जिंजर एंड ग्रीन चिली ऐड किए हैं, और इधर हमने मैरिनेट किया हुआ अपना पनीर। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अनियन एंड कैप्सिकम के साथ, उसको भी हल्का सा रोस्ट किया है। स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टमाटो जो मैंने फाइनली चॉप किया है। ग्रेवी में एक खास बात होती है कि इस ग्रेवी को एकदम फाइन पेस्ट की तरह जब बनाते हैं तो बहुत ही स्मूथ ग्रेवी रेडी होती है, और ये सिम गैस पर हमारी अभी कुक होती रहेगी। इसमें थोड़े ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, सबसे पहले धनिया पाउडर, थोड़ी देर हमें इसको रोस्ट भी करना है स्पाइसेस को, चुटकी भर रेड टर्मरिक पाउडर, रेड चिली, और साथ में मैं थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये पेरी पेरी मसाला ऑप्शनल है, ये मैंने घर में ही रेडी किया है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी सिम पर कुक होने के लिए। हमारे मसाले बर्न नहीं होने चाहिए इसलिए हल्का सा हम पानी ऐड कर देंगे, और इस मसाले को थोड़ी देर भुनने के लिए रख देंगे।
ये हमने जो ग्रेवी रेडी करी है इसको अभी हम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 8 से 10 कैश्यूज, और इसको ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें से हम बे लीफ निकाल देंगे बाहर। इस तरह से अभी थोड़ा गर्म है, इसको संभाल कर ही ग्राइंड करना है। वाटर ऐड कर देते हैं ग्राइंड करते समय। व्हाट इज पेरी पेरी मसाला? पेरी पेरी मसाला में हमने यूज किया है ड्राई जिंजर एंड ड्राई गार्लिक, उसको हम सुखा लेते हैं धूप में, और साथ में ब्लैक पेपर ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा अमूल की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको लगातार स्टर करते रहें, नहीं तो ये फट जाएगी। कोशिश करें इसको लगातार स्टर करते रहें, और अभी हम इसको ठंडा होने रख देंगे, और इसके साथ मैं आपको एक बढ़िया सा पराठा बना के दिखाऊंगी, जो मेरा स्पिनिच का पराठा है, बहुत ही हेल्दी पराठा है। क्योंकि अभी हमारी ग्रेवी थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर हम उसको कुक कर लेंगे। ये कॉम्बिनेशन सबको बहुत पसंद आता है। ये हमने पालक की ग्रेवी को, पालक को स्मूथ एक प्यूरी में बनाया था, और प्यूरी को मैंने होल व्हीट फ्लोर के साथ ही नीट कर लिया था। शैनली खंडेलवाल, व्हाट आर यू कुकिंग? आई जॉइंड लेट। I am cooking पनीर लबाबदार, और साथ में मेरी ये स्पिनिच का लच्छा परांठा है जिसको मैं कुक करने जा रही हूँ। पनीर को मैंने सिंपल बिल्कुल एक प्यूरी फॉर्म में कर लिया था, और साथ में ही उसको ग्राइंड करने के बाद डो बना लिया था, नीट कर लिया था इस तरह से। ये देखिए, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेयर्स वाला बना रही हूँ, तो मैंने लच्छा परांठा आज प्रेफर किया है इसके साथ। ये ज्यादा अच्छा लगता है पनीर के साथ। और ये सबको बहुत पसंद आता है, बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। देखिए, ये हमने अच्छे से रोल कर लिया। ग्रेवी को भी स्ट्रेन आउट कर लेंगे, इसको स्ट्रेन करना बहुत जरूरी है। देखिए, एकदम स्मूथ ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने अनियंस टमाटोज को जो सौते किया था, साथ में थोड़ा कैश्यूज भी गए हैं, तो ये बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर की बनी है। इसका कलर भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, पिंकिश कलर का रहना चाहिए। इसको स्ट्रेन आउट कर लें बहुत अच्छे से।
और ये वेस्ट नहीं करेंगे, जब हमारा जो ऊपर बचेगा उसको हम सूप में ऐड कर सकते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, यू कैन फ्री फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अमूल को, गिव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अपने परांठे की तरफ भी ध्यान देंगे। ये देखिए अभी परांठा हमारा दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सिकने लगा है, लेकिन इसको भी सिंपल ही बनाएंगे क्योंकि हमें एकदम खस्ता परांठा बनाना है। तो अगर आप हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा परांठा नहीं बनेगा। बैलेंस करने के लिए इसमें ध्यान रखेंगे ग्रेवी में भी कि खट्टा मीठा सभी टेस्ट जाए, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा हल्का सा स्वीट टच। वैसे तो स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको कम ज्यादा, बट बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है जब भी आप कुकिंग करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। और जब भी आप ग्राइंड करें इस बात का ध्यान दें बहुत तेज गर्म ना हो, मैंने थोड़ा सा उसको ठंडा करने के बाद ही ग्राइंड किया है। इसमें जो इलायची का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा एरोमा आ रहा है। और स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए आप उसमें कश्मीरी रेड चिली डालें, बहुत तीखा मिर्च अगर डालेंगे तो ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। देखिए दूसरा जो ग्रेवी होती है, जैसे हम अगर शाही पनीर की ही बात करें तो शाही पनीर में हल्का सा क्रीम का टेक्सचर ज्यादा होता है और टमाटोज कम रखते हैं, उसमें काजू भी ज्यादा डाले जाते हैं क्योंकि वो शाही ग्रेवी बनती है रॉयल, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्रीम कैश्यूज इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। और इसमें हम जो खड़े मसाले डालते हैं वो हम कभी भी शाही पनीर में नहीं इस्तेमाल करते। जैसे हमने इसमें तेज पत्ता लिया था, लौंग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, उनको हल्का सा भून लेना चाहिए जब उसको घी में रोस्ट करते हैं, तो उनको फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा ग्रेवी इसकी लबाबदार यानी एकदम स्मूथ टेक्सचर की बनती है। ये देखिए क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी एरोमा आ रही है। अब अपने परांठे को भी चेक कर लेते हैं एक बार। मिंट्रे में थोड़ा सा घी जम जाता है और मैं तो देसी घी के ही परांठे बनाना प्रेफर करती हूँ, पर थोड़ा ही लगाएंगे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा घी हम खा सकते हैं मिंट्रे में। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें, बटर लें थोड़ा सा, नहीं तो आप घी लें, नहीं तो कोई सीड्स का ऑयल भी ले सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट। कुकिंग करते समय हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। देखिए कितना अच्छा परांठा सिक रहा है। देखिए आप इसके लच्छे जो लेयर्स हैं कितनी जल्दी आराम से अलग अलग होने लगी हैं। अभी मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ सिम पर। और यहाँ हमारा स्ट्रेन आउट भी हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छा सा पल्प हमारा रेडी हो गया है, प्योरी रेडी हो गई है। ये सारे जूसेस बहुत अच्छे से स्ट्रेन आउट हो गए हैं और इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम टमाटो सूप बनाते हैं या वेजिटेबल सूप तब हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डू यू हैव लच्छा परांठा रेसिपी? यस, लच्छा परांठा रेसिपी मैं दे सकती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देती हूँ और इसके बाद मैं आपको लच्छा परांठा की रेसिपी देती हूँ। बेटा एक मिनट थोड़ा सा थोड़ा सा हम इधर अपनी ग्रेवी को भी रेडी कर लेते हैं चटपट। ये देखिए इस तरह से
कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, कितना बेलवेटी टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। यही डिफरेंस है पनीर लबाबदार में, क्योंकि पनीर लबाबदार की ग्रेवी जो रेडी होती है उसको हम अलग से भी अनियन एंड टोमेटोज को सौते करते हुए मसाला रेडी करते हैं, और साथ में पनीर का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। पनीर को अगर आप इस तरह से क्यूब्स में मैरिनेट करके रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा टेक्सचर देगा। अभी स्टेज पर मैं पनीर साथ में कैप्सिकम एंड अनियंस सभी को ऐड कर देती हूँ, ये देखिए, और इसमें एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी कुक होगी कम से कम 5 से 7 मिनट तक। थोड़ा सा अनियंस जिंजर्स भी, मैं जिंजर की जूलियंस भी डाल देती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर रवी लीव्स को, बाद में गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। और एक डिफरेंस मैं और बता देती हूँ, क्योंकि इसकी ग्रेवी हमने बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के लिए है, साथ में हम थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर भी यूज कर रहे हैं, इससे इसका जो ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जब आप खाएंगे तो बिल्कुल माउथ मेल्टिंग, बहुत ही माउथ वाटरिंग जो डिश है ये। मैंने ग्रेवी को ग्रेट करके पनीर को यूज किया है, और 200 ग्राम मैंने क्यूब्स में मैरिनेट करके यूज किया है। अभी हम इसको थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं और अपने परांठे चेक कर लेते हैं। एकदम खस्ता परांठे बन रहे हैं पनीर लबाबदार के साथ, तो मैं इसकी भी रेसिपी आपको शेयर कर देती हूँ। इसमें स्पिनिच लिया है मैंने, स्पिनिच मैंने 1 पूरा 1 गड्ढी के करीब ले लिया था, और 1 कप मैंने होल व्हीट फ्लोर लिया था जिसमें नमक और अजवाइन ऐड किया था, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड किया था डो को नीट करने से पहले। साथ में हमने जो पालक की प्यूरी रेडी करी थी ग्राइंड करके उसको ऐड कर दिया था, और एक स्मूथ सा डो बना दिया था मैंने, और लच्छा परांठा जिस तरह से बेलते हैं रोल करते हैं उसको मैंने लेयर्स बनाने के लिए साथ में रोल करके रख दिया था। तो हमारे बढ़िया से खस्ता पराठे भी रेडी है। विंटर सीजन है, आप देख सकते हैं इस मौसम में तो बहुत मजा आता है एकदम खस्ता पराठे खाने में। आप इनकी लेयर्स भी देख सकते हैं, ये देखिए पास से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया पराठे सिके हैं हमारे गोल्डन। हमारे परांठे तो कुक हो गए हैं, बहुत बढ़िया सीखे हैं, एकदम खस्ता परांठे बनकर रेडी हैं, और पनीर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, और ये ग्रेवी अभी थोड़ी और थिक हो जाएगी रखने के बाद। अभी आपको थोड़ी पतली नजर आ रही होगी, लेकिन ये ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि ये कुछ देर बाद ही इसमें गाढ़ापन आना शुरू होता है। और मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी और ऐड कर दूंगी, अब इसमें मैं 1 टीस्पून के अराउंड, ये खांड है देसी खांड, आप हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए। तो हमारी पनीर लबाबदार एकदम रेडी है, आइए प्लेटिंग भी कर लेते हैं, को सर्व कर देते हैं। मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। हमारे परांठे भी रेडी हैं। देसी खांड ये जब हम जैगरी को
दूसरे रूप में लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ब्राउन शुगर में, देन उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो खांड होता है, देसी खांड होता है। जैसे आप जैगरी पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से ही बनता है। और ये बहुत हेल्दी भी होता है, हेल्दी ऑप्शन है शुगर का। शुगर इस्तेमाल ना करें वाइट शुगर, क्योंकि वो बहुत रिफाइंड होकर बनती है। तो हम हमेशा कहते हैं इस बात को कि जैगरी पाउडर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैं अमूल क्रीम ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देंगे। कोरिएंडर लीव से आप गार्निश करें। आइए प्लेटिंग करते हैं। और ये एकदम रेडी है। अब खाना बनाते समय हाइजीन का जरूर ध्यान रखें, एकदम क्लीनलीनेस होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको परांठे का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, लच्छा परांठा है तो कितने सारे लच्छे बने हैं इस तरह से। और ये पूरा खस्ता बना है, एक एक लेयर इसकी इतनी खस्ता है, एकदम क्रिस्पी है। सो आप लोग फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनी है, बहुत शानदार पनीर होता है, टेस्ट इसका लाजवाब होता है। आप लोग जब खाएंगे तो इसको कभी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और घर में सबको बहुत पसंद आएगा। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अमूल को, जिन्होंने मुझे मौका दिया, इनकी टीम बहुत ही सपोर्टिव है। थैंक्स अभिषेक, थैंक्स टू होल टीम मेंबर्स ऑफ अमूल, थैंक यू व्यूअर्स, आप लोग सब मुझे ज्वाइन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऑलवेज सपोर्ट मी, मोटिवेट मी एंड ऑलवेज गिव मी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सपोर्टिव टीम एंड मेंबर्स। मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूंगी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और चटकारा बाई पारुल को लाइक करना ना भूले, फॉलो करना ना भूले। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।